मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है और आई के बाढ़ग्रस्त इलाके में यह हादसा हुआ है राहत सामग्री को लेकर जा रहा था हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से हेलीकॉप्टर जा रहा था लेकिन इसके क्रैश होने की खबर आई तो मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है और आई के बाढ़ग्रस्त इलाके में यह हादसा हुआ है जहां राहत सामग्री को लेकर जा रहा था यह हेलीकॉप्टर तो राहत सामग्री को ले जाते वक्त हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश सीतामढ़ी से जा रहा था हेलीकॉप्टर तो मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है जो औराई के बाढ़ग्रस्त इलाके में हादसा हुआ है और जिस तरह से बाढ़ग्रस्त इलाकों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है यह उसी में व्यस्त था लेकिन उस दौरान इसके क्रैश होने की यानी हेलीकॉप्टर के वो भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश की खबर है तो राहत सामग्री को लेकर जा रहा था सीतामढ़ी से जा रहा था यह हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुंचा रहा था बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें औराई जो जगह तो मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर और और खाने पीने के और दवाओं जैसे जो राहत सामग्री के सामान होते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाते हैं उसमें ही वायुसेना को उसमें बुलाया गया उसकी मदद ली जा रही है लेकिन उसमें वायुसेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आई है तो मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है मुजफ्फरपुर के और सामग्री को लेकर यह हेलीकॉप्टर जा रहा था सीतामढ़ी से जा रहा था यह हेलीकॉप्टर जो राहत सामग्री को पहुंचाने के लिए लेकिन रास्ते में खुद क्रैश हो गया और के बाढ़ग्रस्त इलाके में यह हादसा हुआ है जो मुजफ्फरपुर में वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है राहत सामग्री को लेकर जा रहा था तो और के बाढ़ इलाके में यहाँ तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ गए चंदन एक बुरी खबर की वायु सेना का हेलीकॉप्टर जो राहत सामग्री लेकर जा रहा था क्रैश कर गया क्या है 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 अपडेट्स जी मैं आपको बता दूं घटना जो है और के है और यहां पर बाढ़ राहत को लेकर जो है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है कि भ्रमण किया जा रहा था उस दौरान जो है क्रैश हुआ है हालांकि जो है कि कई लोग घायल हो गए हैं और घायलों को इलाज के लिए जो है जी आप थी देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। सीतामढ़ी से जा रहा था यह हेलीकॉप्टर लेकिन वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया जहां एक तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को मदद पहुंचाने के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वायुसेना को हा चंदन तो राहत सामग्री को लेकर जा रहा था हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें उभर कर आई है एक तरफ बाढ़ की मुसीबत और दूसरी तरफ उनको ही राहत पहुंचाने के लिए जब वायुसेना को लाया गया तो वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है मुजफ्फरपुर के औरई में आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आई है क्रैश कर गया हेलीकॉप्टर और उसके बाद जो राहत सामग्री जो राहत पहुंचाने के लिए जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था उसी को राहत की आवश्यकता पड़ गई है तो औरई के बाढ़ग्रस्त इलाके में यह हादसा चंदन क्या आपको मेरी आवाज जा रही है किस क्या अपडेट्स हैं चंदन आप बता रहे थे कि किस तरह से ये हेलीकॉप्टर का पूरा मामला हुआ वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है जो राहत सामग्री लेकर जा रहा था जी बताया जा रहा है कि राहत सामग्री को लेकर जो है कि हेलीकॉप्टर जो है भ्रमण कर रही थी और वहां पर जो है हेलीकॉप्टर कर गया है और बाढ़ के पानी में डूब गया है जिसके लेकर जो है पुलिस पदाधिकारी सब यहां पर मौजूद है हालांकि प्रशासन लगातार रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया है और जो फंसे हुए लोग थे उसको बाहर निकाल लिया है जी जी जान माल की क्षति का कुछ मामला है चंदन कुछ पता चल पाया है

कितने देर में यह माना जा सकता है कि जो क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर वो उसको वहां से हटा दिया जाएगा और जो उसकी वजह से जो दिक्कत हो रही है वो ठीक हो जाएगी यहाँ पर जो है ना कि विभिन्न जगहों पर बिजली का हाई टेंशन का तार और फेर उर के वजह से जो है यह क्रैश हुआ है और जिसकी वजह से हुआ जो है की बाढ़ के पानी में डूब गया है और लग कार्य कर रही है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम आ गई है पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौजूद है जी किसी प्रकार से जानमाल की क्षति नहीं हुई है तो क्या कोई जिस तरह ये तस्वीरें सामने आ रही हैं चंदन आम लोग भी हैं वहां पर क्या उनके बीच कोई दहशत हुआ कोई आतंक का माहौल हुआ जिसको फिर से प्रशासन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ा कुछ ऐसी तस्वीरें उभरी आम लोगों के बीच दहशत कायम हो चुका हुआ है और यहाँ पर काफी संख्या में लोग भी जुटे हुए हैं और भीड़ काफी जुटी हुई है और यहाँ पर जो है कि पुलिस जो है लगातार कार्य कर रही है डीआरएफ टीम को लगाया गया है है पुलिस भी यहाँ पर है और लोगों हो चुका हुआ था हालांकि यहाँ पर काफी संख्या में अभी भी फिलहाल जो है भीड़ जुटी हुई है जी तो राहत सामग्री जो हेलीकॉप्टर में लाया जा रहा था चंदन क्या उस राहत सामग्री को बाहर निकाला जा सका है नहीं राहत सामग्री जो है कि बाढ़ के पानी में ही डूब गया है वो बाहर नहीं निकल पाया है फिलहाल जो है ये दो टीम लगातार कार्य कर रही है जी यानी ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि क्रैश का जो सच सही कारण है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है ना जी 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 तो ये कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर का जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है हमें जो हम लोगों को दिखा रहे हैं चंदन लेकिन क्या ये जब ये गिरा तो क्या वहां पर उसके गिरने से कुछ नुकसान हुआ है जी मैं आपको बता दूं कि की जहाँ पर यह जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहाँ पर वह चौड़ इलाका है और वहाँ पर पानी ही पानी है किसी प्रकार से कोई मतलब तो कोई क्षति हुई है किसी तो प्रकार से कोई आवाज तो दी है लोग देखने के बाद जो है कि यहाँ पर भीड़ जुटी है जी जी चंदना हमारे साथ बने रहेंगे लेकिन हम दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखिए वो तस्वीर है जो क्रैश से पहले की तस्वीर है और जिस ये तस्वीर हम आपको सिर्फ कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर चला आ रहा है और जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आने वाली हेलीकॉप्टर अभी क्रैश होने वाला है लेकिन जो लोग नीचे थे जो लोग राहत का इंतजार कर रहे थे उनको ये बातें पता नहीं थी कि राहत के इंतजार में एक और मुसीबत उन पर आने वाली है आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें ये पहली वो तस्वीर है जो क्रैश से पहले की तस्वीर है जिस वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुई थी वायुसेना का हेलीकॉप्ट हेलीकॉप्टर है उसके क्रैश होने की संभावना इस ऐसी ही कम होती है जो कि मामला कहीं ना कहीं सामरिक पहल का होता है डिफेंस का होता है तो ये ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देखिए जब क्रैश की तस्वीरें जब उसके बाद आप दोनों तस्वीरें देख सकते हैं जब हेलीकॉप्टर चला आ रहा था उसके बाद क्रैश के होने के बाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं देखिए कि किस तरह की तस्वीरें बाढ़ राहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत की सामग्री लेकर हेलीकॉप्टर वायुसेना का चला आ रहा था इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर चला आ रहा था लेकिन अचानक उसको क्रैश कर जाता है राहत सामग्री जो मदद करने के लिए लाई जा रही थी लेकिन खुद वो वहां उसमें क्रैश हो जाने के बाद हेलीकॉप्टर गिर जाता है और तस्वीरें जिस तरह की हमने आपको दिखाई और दिखा रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीरें वहां से उभरी उससे एक दहशत फैल गया उससे आप देख सकते हैं एक हेलीकॉप्टर खुद गिर जाता है उसको निकालने की कोशिश कोई मामूली बात नहीं है एक पूरी की पूरी एनडीआरएफ और एस की टीम वहां लगती है ऊपर से वायुसेना का वो हेलीकॉप्टर है तो तय है कि वायुसेना भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है तो सीतामढ़ी से जब यह हेलीकॉप्टर जा रहा था तो मुजफ्फरपुर के और आई में जी चंदन क्या प्रशासन की तरफ से वहां स्थानीय प्रशासन की तरफ से कुछ लोग पहुंचे हैं या जनप्रतिनिधि कोई पहुंचे हैं वहां चूंकि बड़ी घटना एक तो बाढ़ से ही लोग तबाह थे ऊपर उप, से हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना क्या कहेंगे तो सीतामढ़ी से जा रहा था हेलीकॉप्टर अब तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हम आपको पहली वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी जब हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ था लेकिन यहीं से वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की संभावना बनती जा रही थी क्योंकि जिस तरह का इंक्लाइन वो ले रहा था उससे तस्वीरें जैसी सामने आ रही है और उसके बाद प्लेन या हेलीकॉप्टर कहें वो क्रैश कर जाता इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता तो आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं मुजफ्फरपुर और के औरई के बाढ़ग्रस्त इलाके में यह हादसा हुआ है राहत सामग्री लेकर जाता हुआ इंडियन एयरफोर्स का यानी भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है अपने आप में एक राहत पहुंचाने के लिए जा रहा था आप देख सकते हैं लोग ऊपर खड़े हैं छत पे वो दौड़ रहे हैं उसके बाद चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदन बताएं कि जिस तरह के हालात वहां पैदा हुए हैं एक तहक, एक, एक डर का माहौल होगा एक आतंक का माहौल एक तो वैसे ही लोग पहले बाढ़ से प्रभावित हैं बाढ़ से परेशान हैं ऊपर से हेलीकॉप्टर का क्रैश कर जाना जो उनकी मदद को आ रहा था क्या कहेंगे आप ना। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से तकनीकी कारणों से हमारे सहयोगी तक उतनी आवाज़ नहीं जा पा रही है वहां पर तय है कि जिस तरह का बाढ़ का इलाका है वो वहां बहुत सारे ऐसे तकनीकी प्रॉब्लम्स होंगे तकनीकी दिक्कत होगी जिसकी वजह से आवाज पहुँचनी मुश्किल लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो तस्वीरें उभर कर आई हैं जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश करने की तस्वीर थी ये पहले की तस्वीर है लेकिन इंक्लाइंड होती हुई

जिसमें लालू यादव भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने गए थे अकस्मात उनके उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर जो है रोड पे उतरवा दिया था इसी तरह का नज़ारा था वहाँ लोग दहशत में हो गए थे कि ये हेलीकॉप्टर रोड पे कैसे उतर गया वो नज़ारा और आज का नजारा लगभग सेम है लेकिन आज का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया है जी और ये क्रैश होने से निश्चित रूप से वहाँ के अगल बगल के लोग तो भयभीत हैं ही क्योंकि ये हेलीकॉप्टर है एयरफोर्स का है और जो राहत सामग्री लेकर के बाढ़ पीड़ितों के बीच ये लोग उतारते हैं गिराते हैं चूँकि ये बहुत करीब से जाता है चूँकि बहुत कम ऊँचाई से इसको उड़ाना होता है और उड़ाते समय बहुत सारे सतर्कता बरतने बरतनी पड़ती है उसी का ये नतीजा है कि चूँकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जब राहत सामग्री बांट करके ये हेलीकॉप्टर लौट रहा था तो सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पर एक और जगह है वहाँ पे ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में क्रैश हुआ है और इसकी स्थिति ये हो गई है कि राहत सामग्री पहुँचाने में परेशानी अब बढ़ गई है देखिए हालांकि चार लोग इस पर सवार होने की बात आ रही है जिसमें तीन लोग तो सुरक्षित निकाल लिए गए हैं एक जो है वो अभी थोड़ा ज़्यादा घायल है और उनको इलाज के लिए मुजफ्फरपुर लाया जा रहा है जे. तो कहा जा सकता है कि ये बड़ी घटना है हालांकि अभी मृत्यु की पुष्टि पुष्टि किसी ने नहीं की है और कितने लोग सवार थे ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन समय के साथ ये बातें सामने आएगी लेकिन इसके कारणों के पीछे जाने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि क्रैश होने का कोई कारण नहीं होता है कौन सा यंत्र कौन सा कारण हो जाए चूँकि जो अभी जो स्थिति है बाढ़ की स्थिति है नॉर्थ बिहार में कोशी गंडक ये दो नदियां हैं जिसमें बाढ़ का पानी ऐसा करंट लेकर के चल रहा है कि अगल बगल के गांव, शहर सबको धोते हुए निकल रहा है वैसी स्थिति में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए थे एयरफोर्स हेलीकॉप्टर और जब हेली एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर निकलते हैं राहत सामग्री वितरित करने के लिए निकलते हैं तो उनकी ऊंचाई बहुत कम होती है क्योंकि उनको करीब से पैकेट गिराना पड़ता है क्योंकि पैकेट गिरने से फटने का डर होता है बिखर जाने का डर होता है तो उसको करीब से कोशिश करते हैं हेलीकॉप्टर के जो पायलट होते हैं कोशिश करते हैं कि करीब से जाएं और उनको आराम से गिरा दें कि उनको जो राहत सामग्री मिलनी है वो सुरक्षित मिल जाए और उसी का ये नतीजा है कि इस तरह से क्रैश हुआ है अब कारण तो आएंगे सामने लेकिन जो दिखाई दे रहा है चित्र जो दिखाई दे रहे हैं और कशिश न्यूज़ पर हम लोग जिस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखलाए दिखाई दे रहे दिखाए रहे हैं तो उसमें ये लग रहा है कि उस हेलीकॉप्टर का डायना टूटा हुआ है जी ये एक बड़ी बात सामने दिखाई दे हालांकि ये भी एक संभावना हो सकती है कि हेलीकॉप्टर का डायना टूटने का कारण

कि इन सब कार्यों में राहत सामग्री पहुंचाने वाले कार्यों में उस तकनीक वाले हेलीकॉप्टर का उतना उपयोग नहीं होता है लेकिन इतना होता है कि हेलीकॉप्टर पुराना होता है और पहले का होता है और मेंटेन तो होता ही है लेकिन जिस आप तकनीकी वाले एरोप्लेन की बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं वो तकनीकी वाले हेलीकॉप्टर यहाँ उतने यूज नहीं किए जाते हैं क्योंकि यहां क्या है कि स्टोरेज वाले हेलीकॉप्टर होते हैं जिसके पीछे में पूरा राहत सामग्री स्टोर करके रखा जाता है और उसके बाद उसको ओपन कर करके धीरे धीरे गिराया जाता है जी। तो हमारे साथ देखिए एक हमारे सहयोगी हैं उनसे भी बात करते हैं आशुतोष जी हैं और ये भी बहुत करीब से इस घटना को देख रहे हैं आशुतोष जी क्या लग रहा है प्रथम दृष्टिया तो ये क्रैश हो गया और ऊंचाई भी कम होती है चूंकि राहत सामग्री गिरानी होती है तो कम ऊंचाई से गिराया जाता है कि वो फट के बिखर ना जाए तो वैसी स्थिति में इसको आप किस रुको देखिए आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव हैं उनका अभी अब जस्ट एक सेकंड पहले बयान आया है प्रत्यय अमृत का उनकी तरफ से ये कहा गया है कि विमान क्रैश नहीं हुआ है बल्कि जो पायलट हैं उनकी सूझबूझ से सावधानी से विमान को उतारा गया है पानी में चूँकि इंजन फेल हो गया था ये अभी ताज़ा बयान है यानी कि क्रैश नहीं हुआ है सूझबूझ की वजह से पायलट ने उसको मतलब पानी में ही उतारा है और उतारने की वजह से चूंकि इंजन फेल हो गया था तो उस दौरान चोटिल हुए हैं जो जवान उसमें थे जो भी चोटिल चोटुलिस न्यूज पे पहली बार ब्रेक कर रहे हैं हम लोग इसका मतलब कि कि जिस तरह से ये लोग कह रहे थे बहुत सारे जगहों पर क्रैश होने की बात हो रही है लेकिन ये पायलट के सूझबूझ से वो वहां उतार दिया गया उनका प्रेंग ये कहना है कि सूझबूझ की वजह से ये हादसा जो होने वाला था वो बड़ा हादसा हो सकता था अगर इंजन फेल हुआ अगर उसको मतलब एक वैसी जगह पर उतारा गया है जहाँ पर आबादी नहीं थी हो सकता था कि आबादी वाले इलाके में ही हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ता या फिर स्वयं चूंकि इंजन खराब हो गया था तो फिर उसी जगह पर उतर सकता था या गिर सकता था क्रैश हो सकता था लेकिन पायलट ने इसको सावधानी से टेकल किया और उस जगह पे हेलीकॉप्टर को उतारा जहां पर पानी भरा हुआ था यानी बाढ़ग्रस्त इलाका था नया गांव के वार्ड नंबर तेरह की बात सामने आ रही है जहां पर हेलीकॉप्टर को उतारा गया जो इलाका है मुजफ्फरपुर जिला में और जगह है वहाँ बिल्कुल बिल्कुल और जगह है और बिल्कुल कहा जाता है कि जिस तरीके से पायलट ने सूझबूझ का परिचय दिया और एक बड़ी कैजुअलिटी को होने से बचाया उसी तरीके से जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने दिलेरी दिखाई और जैसे ही हेलीकॉप्टर गिरा पानी में उसके बाद सब के सब जितने भी ग्रामीण हैं फौरन एक्शन में आए और जिस तरीके से एयरफोर्स के जवान या वायु मतलब जो रेस्क्यू की टीम होती है एन डी की टीम उस तरीके से इन लोगों ने रेस्क्यू किया और उनको चुटी हेलीकॉप्टर करीब करीब डूब गया था पानी में वैसे सूरत में जो अंदर थे उन लोगों को बचाना एक बड़ी बड़ा काम था बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको बखूबी निभाया है वहां के ग्रामीण की दो। की दोनों तरफ से काम हुए हैं एयरफोर्स ने के जो पायलट है उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया चूंकि हेलीकॉप्टर देख करके लोग दौड़ते होंगे कि राहत सामग्री हमको मिलेगी और वो हेलीकॉप्टर के करीब जाना चाहते होंगे कि भाई उसके नीचे आ जाए तो हमको सामग्री मिल जाएगी और उस समय इंजन फेल होता है और जो पायलट है वो सूझबूझ के साथ भीड़ से अलग हट करके के हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने की कोशिश करता है उस समय वो गिरता है और दूसरी सूझबूझ लोगों के द्वारा की गई कि जब देखा कि उन्होंने ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई है या नीचे गिर गई है तो उसमें फंसे लोगों को निकालना ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा ये कहा जा सकता है कि... और एक और अपडेट सामने आया है कि उसमें चार या पांच जवान की जो बात सामने आ रही थी वो लोग हैं पायलट समेत वो उतने उतनी संख्या में नहीं थे तीन लोग थे दो पायलट और एक जवान था जो की राहत सामग्री बांट रही राहत सामग्री को आ, का, मतलब बांट रहा था फूड पैकेट बांट रहे थे और कशिश ने कहा है कि हम लोग शुरू से ही चला रहे कि तीन लोग थे तीन लोग में एक जो पायलट है वो थोड़ा गंभीर रूप से घायल हुए हैं दो लोग सही हैं ये तो हम लोग शुरू से चला रहे हैं और उनको एहतियातन ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल में थोड़ी देर में एडमिट भी हो जाएंगे और कहीं कोई ये वाली बात नहीं है कि क्रैश हुआ है और बहुत बड़ा ये हादसा मतलब हुआ ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल इंजन में खराबी आ गई थी उसके बाद पायलट ने परिपक्वता दिखाते हुए उस जगह पर हेलीकॉप्टर को उतारा है जहाँ पर आबादी नहीं थी लोग नहीं थे और ठीक है जो उसमें सवार थे अगर क्रैश होता और अनियंत्रित हो जाता पायलट कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी कम से कम जो हेलीकॉप्टर में सवार थे उनके साथ बड़ा हादसा हो सकता था और हेलीकॉप्टर जहां क्रैश होकर के अगर गिरता अगर किसी आबादी वाले क्षेत्र में तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता था। संभावना भी न है क्योंकि पानी में गिरा इसलिए आग भी नहीं लगा बिल्कुल पानी में गिरा हेलीकॉप्टर अगर कहीं क्रैश होता है या गिरता है ड्रॉप होता है तो सबसे पहले आग लगने की संभावना होती है लेकिन पायलट की सूझबूझ से वो पानी में गिरा और पानी में गिरा तो आग नहीं लगा आपको याद होगा कि एक बार जब पटना एयरपोर्ट पर एक कहीं से फ्लाइट आ रही थी साल डेढ़ साल दो साल पहले की घटना है वो भी हादसा होते होते बचा था एक फीमेल पायलट थी जिन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया था और कहा था कि एक वक्त में बाद में जब इंटरव्यू हो रहा हुआ तो एक वक्त में उनके जेहन में ये आया कि ज़्यादा से मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था कम नुकसान हो इसकी वजह से गंगा नदी में विमान को उतार दिया जाए ताकि कुछ तो लोग बच जाएंगे ना ये सोच थी उनकी उसी तरीके से आज पायलट पायलट ने, पाईलेक ने बिल्कुल परिपक्वता दिखाई है अपना अनुभव का इस्तेमाल किया है और समय रहते टैकल किया है और जहाँ पे पानी था वहाँ पर हेलीकॉप्टर को आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता बिल्कुण था आदमी भी मरते पायलट के साथ जो सहयोगी थे वो भी मरते और हेलीकॉप्टर भी जल करके राख हो जाता ये तीनों चीजों के बिल्कुल बिल्कुल तीनों चीज था तो ये कहा जाता है कि अनुभव काम आता है और अनुभव काम आया भी है और इस पर अब क्लियरिटी आ गई है कि हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ बल्कि सुरक्षित उतारा गया है इंजन में जरूर खराबी आ गई थी और जो भी लोग हैं उसमें तीन सवार थे दो पायलट और एक जवान वो सब लोग सुरक्षित हैं तो काशिब आप हमारे सहयोगी से सुन लिए कि सारी जानकारी हम लोगों ने कशिश न्यूज़ के जरिए आम आमजनों को यह पहुंचा दिया है कि यह क्रैश नहीं हुआ है और पायलट के सूझबूझ से भीड़ भाड़ वाले इलाके से अलग हटा करके पानी वाले जगह पर उतारा गया है कि कहीं ना कहीं से आग भी लग सकता था पब्लिक पर गिर भी सकता था वो हेलीकॉप्टर या फिर कहा जा सकता है कि उसमें जो लोग थे पूरी तरह से जल जाते या मारे जाते